सोहबतपुर की यूनियन काउंसिल दुर्गी भी हालिया सैलाब की तबाहकारियों से ना बच सका। 18 दिन गुजरने के बावजूद आज भी इस शहर में 3 से 4 फुट सैलाब का पानी घरों और गलियों में खड़ा है। नुमाइंदा बोलनी सावल इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला सोबतपुर की यूनियन काउंसिल दिरगी में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में 2 से 3 फीट पानी खड़ा हुआ है और लोगों के घरों में 3 से 4 फुट पानी खड़ा हुआ है। हमारे साथ एक गोठ दिरगी के रिहायशी मौजूद है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस सैलाब में उनका क्या नुकसान हुआ है और हुकूमत की जानिब से उनको क्या रिलीफ मिला है। बिल्कुल सर, हमारे घर भी गिर गए हैं, हमारे स्कूल में भी पानी है, हमारे घरों में तकरीबन अभी तक 3 से 4 फुट भी पानी खड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक कीजिए। कभी कहाँ का तकरीबन 2.5 फुट पानी है, लेकिन अभी तक कोई हुकूमत का एहलकार नहीं आया, न डीसी आया है। आज तक तकरीबन 14-15 दिन हो गए, न डीसी आया है, न एमपी आया है, न कोई ऐसा एहलकार आया है यहाँ पे एफसी या फौज। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज़ बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।